हेलो गाइस, वेलकम टू आई क्वेश्चन भोपाल। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैंगो क्रॉप। एज यू ऑल नो दैट मैंगो इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट क्रॉप फॉर द प्रस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर। सो वी विल डिस्कस लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, बट बिगिन विद द दैट एमपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द ईडीयू वैकेंसी इन इट्स व्यापम कैलेंडर। So it's a golden opportunity to get the job in the EDU. After 10 years, the EDU vacancy has been announced by the government of Madhya Pradesh. It is showing in the BYAPM calendar of MP Online. So you can go through website agricoachingbhopal.com and use the ACB10 coupon for discount on any course of agriculture related exam. Okay. So let's begin the cultivation of mango. Mango, as all know that mango is a very much important crop for the prospective of any exam. Mango, the scientific name is Mangifera indica. The family is Anacardiaceae. Family काफी important है, याद करनी है, क्योंकि अभी 2020 में पॉमिग्रेनेट की फैमिली पूछी गई थी। ओके, पॉमिग्रेनेट की, सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब आपका जो मैंगो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है पॉलीएम्ब्रेनिक, जो आपका साउथ इंडिया में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है, और सेकंड होता है मोनोएम्ब्रेनिक, जो आपका नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। अब जो पॉलीएम्ब्रेनिक है मैंगो, पॉलीएम्ब्रेनिक का मीन्स होता है कि एक सीड से काफ़ी सारे प्लांट डेवलप होते हैं, जब उसे पॉलीएम्ब्रेनिक कहते हैं। मोनोएम्ब्रेनिक में जब एक ही प्लांट से, एक ही सीड से एक ही प्लांट डेवलप होता है, तो उसको मोनोएम्ब्रेनिक कहते हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर जो है वो आपका, एज यू ऑल नो दैट इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप, मैंगो इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। सो जो भी ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं उनके लिए आपका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग इतना ही रिक्वायरमेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, एक बार आपका RRB के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इसका आइडियल टेम्परेचर, रेनफॉल 250 सेंटीमीटर, टेम्परेचर गुड फॉर, गुड फॉर वट डिफ्रेंशिएशन, इट इज 13 से 19 डिग्री सेल्सियस, मीन सी लेवल 1100। आपको क्या याद रखना है इसमें, आइडियल टेम्परेचर और ये आपका वर्ड डिफ्रेंशिएशन के लिए टेम्परेचर। उसके बाद बात करें आपकी सॉइल की, सॉइल की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो गुड ड्रेनेज होनी चाहिए। ड्रेनेज मींस पानी को जो सोख सके, ऐसी आपकी सॉइल होनी चाहिए। पीएच आपका 5.5 से 7.5 होना चाहिए। 2018 के एग्ज़ाम में पीएच पूछा चुका है मैंगो का, गुआवा का और पपाया का। सो इसको याद रखना है आपको। सॉइल एसिडिक होनी चाहिए। जिस सॉइल का पीएच 7 से कम होता है उसे अपन एसिडिक कहते हैं। ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल आर नॉट सूटेड फॉर ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। ओके, सो इट्स आपको याद रखना। उसके बाद यदि करें प्रोपोगेशन की बात, प्रोपोगेशन काफ़ी टाइप से किया जाता है। आपका है स्टोन ग्राफ्टिंग, मीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग और सॉफ्ट वुड कटिंग। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। स्टोन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक अपन रूट स्टॉक लेते हैं और एक लेते हैं साइन, तो रूट स्टॉक से ऊपर से जोड़ देते हैं, उसको बाइंड कर देते हैं, तो थोड़े बाद दिन बाद इसमें वर्ड डिफरेंशिएशन होने लगता है। उसके बाद अपन इसको डिटैच करके दूसरी जगह लगा देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मीन्स होता है दो भी, किसी भी दो भी पार्ट को अटैच करने को अपन ग्राफ्टिंग कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग के लिए आपका जो मंथ सूटेबल है वो जुलाई टू अगस्त है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, यू कैन रिमेंबर इट। अब यदि प्लांटिंग टाइम की बात करें, अपने को प्लांट कब करना है, तो जून टू सितंबर, इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो कीप इट इन योर माइंड।
Then after we will see seat viability. सीट वायबिलिटी मीन्स कहीं भी सीट रखा है आपका, कोल्ड स्टोर है कहीं भी, उसके बाद उसमें जो वायबिलिटी वहाँ से निकालने के बाद उसमें जो वायबिलिटी बचती है वो एक मंथ की रहती है। विथ इन एक मंथ आपको ये सोन करना ही करना हो, वरना तो इसकी वायबिलिटी चली जाएगी। ओके, अब करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग। जब अपने को क्रॉप ज़्यादा चाहिए हो उस केस में अपन हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे। तो आपकी एक आम्रपाली वैरायटी है, आम्रपाली जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, जस्ट लाइक पपाया, पोमग्रेनेट, एप्पल क्रैप, मैंगो, इनकी आपको वैरायटी याद रखनी रखनी सारी, क्योंकि ये पूछी जाती हैं। यदि हाई डेंसिटी में बात करें आपकी, तो आम्रपाली आपकी यूज़ की जाती है वैरायटी। इसकी स्पेसिंग होती है 2.5x2.5। यदि आपकी इसको आपको निकालना है इसकी प्लांट पॉपुलेशन, तो 10,000 × 2×5×2×5 करके आपकी इसकी प्लांट पॉपुलेशन निकल जाएगी। किसी भी की आपको प्लांट पॉपुलेशन निकालनी है तो हेक्टेयर अपॉन स्पेसिंग, दैट इज कॉल्ड प्लांट पॉपुलेशन। ओके गाइस, मूव फॉरवर्ड। अब वाटर की बात करते हैं। यदि वाटर आपका न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट है तो उसको 30 लीटर पर वीक चाहिए, 30 लीटर पर वीक। अभी कुछ मैंगो की वैरायटी से जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ओके, फजली वैरायटी का आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एज इट्स अ लेट मैच्योरिंग वैरायटी, और ये इंडिजिनियस कहाँ की है, बिहार की है, वेस्ट बंगाल की है, एमपी की है, हरियाणा की है। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पुटअप होगा कि विच फजली इज़ द वैरायटी, इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ विच स्टेट, बिहार दिया हुआ, बाकी के 3 स्टेट आपके अलग दिए होंगे, या फिर वेस्ट बंगाल दिया हुआ, बाकी के 3 स्टेट आपके अलग दिए गए होंगे। ओके, फिर आती है चौसा, तो इज़ अ स्वीट वैरायटी फाउंड इन नॉर्थन इंडिया। ओके, काफ़ी फैमिलियर वैरायटी है, आप सबको पता होगा इसके बारे में। ओके, उसके बाद बात करें गुलाब खास की, तो गुलाब खास के अंदर जो फ्रेगमेंट होता है वो आपका होता है रोजी फ्लेवर, और आपका येलो एंड रेडिश ब्लश टू वर्ड्स होता है। इंडिजिनियस होता है बिहार में, ज़्यादा पाया जाता है वेस्ट बंगाल में। अब आपकी बात करते हैं तोतापुरी, तोतापुरी वैरायटी। तो तोतापुरी जो आपकी वैरायटी है वो आपकी सदर्न स्टेट्स में मिलती है ज़्यादातर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 के पेपर में, 2019 के पेपर में। ओके, इम्पोर्टेंट। फिर आपका लक्ष्मण भोग, इंडिजिनियस टू बंगाल, याद रखना है। नीलम, टेबल पर्पस फाउंड तमिलनाडु, इजी है। लंगड़ा वैरायटी, आपने काफ़ी नाम सुना होगा लंगड़ा वैरायटी का। लंगड़ा वैरायटी के अंदर आपका टर्पेंटाइन फ्लेवर रहता है, इंडिजिनियस है वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी। किशन भोग है आपका इंडिजिनियस टू बंगाल एंड बिहार। हिमसागर है वेस्ट बंगाल, गुरुन एंड बिहार। बंगनपाली है, इसको जीआई टैग भी मिला है। और सम अदर वैरायटी है आपकी, है दशहरी, बॉम्बे ग्रीन, आपको जस्ट इसके नाम याद रखना, जिससे यदि आपको पूछा जाए कि ये किस क्रॉप से एसोसिएटेड है वैरायटी, तो आप उसको ईजिली बता पाएँ कि ये मैंगो से है। ओके, सम क्लोन भी है, एज ए CS1 है, दशहरी का है जी, CISH लखनऊ से सिलेक्टेड है। उसके बाद PIR1 है, ये आपका नीलम ड्वार्फ से डेवलप किया गया है। उसके बाद हाइब्रिड वैरायटी है आपकी, हाइब्रिड वैरायटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके आपको क्रॉस याद रखना है कि ये क्रॉस किस किस क्रॉप से, किस किस वैरायटी से बने हुए हैं। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए आम्रपाली है, तो आपको सिक्वेंस ही याद करना है कि दशहरी पहले आएगा फिर नीलम आएगा, तो DNA। ओके, आम्रपाली, दशहरी इंटू नीलम बराबर आम्रपाली। ओके, फिर रत्ना है, तो रत्ना को आप RNA करके यूज़ कर सकते हैं, RNA। ओके, फिर आपका है सिंधु, तो सिंधु को भी आप बना लीजिए SRA करके। ओके, इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा जी, सिंधु है रत्ना इंटू अल्फांसो। मलिका है
इसको आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, एम एन डी कर सकते हैं इसको याद, नीलम टू दशहरी। उसके बाद अर्का पुनीता, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिए क्योंकि बंगापाली जो वैरायटी है आपकी सीडलेस वैरायटी। ओके गाइस, उसके बाद आपकी एवरेज ईल्ड, ईल्ड्स के रिगार्डिंग एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पुराने टाइम में 2015 के आसपास कि ओकरा की ईल्ड क्या होती है, ओकरा की ईल्ड क्या होती है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनकी भी ईल्ड आपको देख के थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद स्टोरेज पर बात करते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, जो वैरायटी हैं, उनका थोड़ा सा टेम्परेचर देखना पड़ेगा। ऐसे दशहरी, मलिका, आम्रपाली के लिए स्टोर हो जाता है 12 डिग्री सेल्सियस पर, लंगड़ा हो जाता है 14 डिग्री सेल्सियस पर, और चौसा हो जाता है 8 डिग्री सेल्सियस पर। ओके गाइस, और ये 6 ईयर के प्लांटेशन के बाद ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी जो गार्डन है, ऑर्चार्ड है, जिसको ऑर्चार्ड उसे कहते हैं, जहाँ पर फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, तो 35 ईयर्स इसकी एवरेज लाइफ होती है। ओके, स्टोरेज के लिए आइडियल टेम्परेचर 15-16 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ खास नहीं, इसको आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद मैच्योर फ्रूट आपका 4-10 डेज रह सकता है प्री कूल टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेल्सियस पर। दशहरी को 12 वीक के अंदर फ्रूट सेट होने लगते हैं मैच्योरिटी के बाद, उसके बाद इट टेक्स 15 वीक्स। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जैसे ये थोड़ा सा 18-19 का डेटा, 17-18 का डेटा है, और 19-20 का मैं आपको करेंट दूंगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो आप थोड़ा सा इसको देख के चल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, एरिया है आपका एपी यूपी में, प्रोडक्शन है यूपी एपी, चेंज कर देते हैं बस थोड़ा सा यहाँ से। प्रोडक्टिविटी है यूपी में, हाईएस्ट विटामिन ए है, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया है, एडिबल पार्ट मीजोकार्प, सपोज दैट आपका दिस इज योर मैंगो, दिस इज योर, इसको कहते हैं आप गुडली। इसके बाद जो ये पोर्शन होता है ना, तो इसको कहते हैं मीजोकार्प, ऊपर को कहते हैं पेरिकार्प, अंदर वाले को एंडोकार्प, तो दिस पोर्शन इज मीजोकार्प। ओके, सो रिमेंबर इट। नाउ इट इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट, ऑल यू नो दैट इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ओके, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस अबाउट। ओके, नाउ मैंगो, मैंगो इज अ हेलियर हेट्रोजीनियस एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ओके, फैमिली एनाकार्डियेसी, ट्रॉपिकल फ्रूट, क्लाइमेटिक फ्रूट में आपको बताया था कैसे क्या होता है। क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जो टूटने के बाद भी अपनी रैपिंग प्रोसेस को कंप्लीट रखते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, एक रोमानी वैरायटी है आपकी मैंगो की, जिसका शेप होता है एप्पल टाइप का। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ये। ओके, उसके बाद जेवियर वैरायटी आपकी, जेवियर, इसका हाईएस्ट टीएसएस होता है 24.8, याद कर चलना है। सीडलेस वैरायटी आपकी मैंगो है, एक डिजीज़ हुआ करती थी मैंगो माल फॉर्मेशन, पहली बार ऑब्जर्व हुई थी बिहार में इन द ईयर 1981। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। मैंगो इज़ अ इम्पोर्टेंट क्रॉप, आपको याद करके चलनी पड़ेगी। हर एक टॉपिक्स के लिए, हर GRF SRF एग्ज़ाम के लिए कोर्सेस बन चुके हैं, आप वेबसाइट विजिट करिए, ACB 10 कूपन लगाइए, उसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का ऊपर। ओके, और SRF GRF के लिए टेस्ट सीरीज़ भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं वहाँ पर, आप उसको परचेस कर सकते हैं कूपन लगाने के बाद। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, गुड लक, बेस्ट लक, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।